गाइस, आज रेलवे परीक्षा 2020 से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। ये प्रश्न पहले भी रेलवे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर इसी प्रकार के क्वेश्चंस का वीडियो आते रहते हैं। तो अगर आप ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कहीं नहीं जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन नए वीडियो समय से पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, रमेश अपनी आय का 80% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय भी 20% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो गाइस, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने में भारी तो लगता है, परंतु यह बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए क्या करना है। मान लीजिए रमेश की आय है 100 रुपए, ठीक है गाइस। रमेश की आय कितनी है? 100 रुपए है। बचत क्या होता है? बचत इज इक्वल टू आय माइनस खर्च। खर्च कह लीजिए या व्यय कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो बचत क्या होता है? आय माइनस खर्च, ठीक है। रमेश अपनी आय का 80% हिस्सा खर्च कर देता है, तो कितना खर्च कर देता है? 80% खर्च कर देता है। यानी कि अगर रमेश की आय 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से रमेश क्या करता है? 80 रुपए को खर्च कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 80 और आय कितनी है? 100 रुपए, ठीक है। फ्रेंड्स क्या करेंगे, बचत निकाल लेंगे। तो बचत कितनी हो गई इसकी? आय माइनस खर्च। आय कितना है? 100 रुपए और खर्च कितना किया? 80 रुपए, ठीक है। तो बचत कितनी हो गई? 20 रुपए हो गई। अब ये कह रहा है उसकी आय 25% बढ़ जाती है। तो गाइज, अगर रमेश की आय 100 रुपए है और वह 25% बढ़ जाती है, तो अब कितनी रुपए हो गई? 125 रुपए, ठीक है गाइज। क्या है, रमेश की आय जब 25% बढ़ जाती है तो उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। तो यानी कि जो उसका खर्च है वो कितना है? 20% बढ़ गया। तो 80 का 20% कितना हुआ गाइज? निकालिए 80 का 20% कितना हुआ? 20/100 × 80, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया? 16 रुपए। यानी कि 16 रुपए और बढ़ जाते हैं, तो टोटल अब कितने हो गए इसके? 6 का 6 8 और 1 9, 96 रुपए, ठीक है। तो रमेश की जो व्यय है अब कितना हो गया? 96 रुपए। आय कितनी है? 125 रुपए और खर्च कितना हो गया? 96 रुपए। तो बचत कितनी हो गई गाइस? 125 में से 96 घटा देंगे, 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 9 गया 2। यानी कि जो रमेश की बचत है अब कितनी है? 29 रुपए। तो कितनी बचत हो गई? पहले वह 20 रुपए करता था, अब वह क्या कर रहा है? 29 रुपए बचत कर रहा है। तो कितनी बचत हुई? 9 रुपए की बचत हुई। अब यह कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं गाइस? वृद्धि प्रतिशत से संबंधित वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा वृद्धि प्रतिशत निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो गया? 9/20। किससे वृद्धि हुई है? 20 रुपए से। 9/20 × 100, ठीक है। 20 × 100, 5 × 9 = 45। कितना हो गया वृद्धि प्रतिशत? 45%। तो सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन डी। गाइस मैं आशा करती हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आय निकालेंगे। इसको इस तरह से कर लेंगे, आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च, ठीक है। दोबारा से हम देख लेते हैं क्या करना है। आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च। आय कितनी है? अगर 100 रुपए है कर दे रहा है, 80 रुपए खर्च कर दे रहा है, 80%, ठीक है। तो बचत कितनी हो गई? 20 रुपए की हो गई। 100 में से 80 घटा देंगे, 20 बच जाएगा। अब कह रहा है उसकी आय बढ़ जाती है। पहले है उसकी आय 100 रुपए, अगर 25% बढ़ जाती है तो अब कितनी हो गई? 125 रुपए, ठीक है गाइस। और व्यय भी 20% बढ़ जाता है। व्यय क्या था पहले? 80 रुपए था। 80 का 20% कितना हुआ? 16 रुपए हुआ। तो जोड़ देंगे, कितना आएगा? 96 रुपए, ठीक है गाइस। पहले वो 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब कितने कर रहा है? 96 रुपए। तो उसकी बचत कितनी हो गई? बचत क्या हो गया? 125 माइनस 96,
कितना हो गया 29 रुपये। ठीक है गाइस, अब यह कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए, क्योंकि पहले 20 रुपये बचत कर रहा था, अब 29 रुपये बचत कर रहा है, तो कितनी बचत हुई, 9 रुपये की बचत हुई। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, वृद्धि प्रतिशत हो गया आपका 9/20। किससे बचत कर रहा है, पहले वाली से बचत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत पहली वाली बचत से निकालना है, इसलिए 9/20 गुणा 100 कर देंगे, तो 20 × 100, 9 × 5 = 45, 45%। तो गाइज मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करती हूँ यदि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से करके आएंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई और नंबर भी दे रखा हो, पर करने का तरीका यह बिल्कुल सही है, सटीक है और आसान है। तो गाइज इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन की पूरी तैयारी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है तथा रहीम राम की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, वही कार्य रहीम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। गाइस इस क्वेश्चन को देख के आप मेंटली सोचिए कि जब राम एक कार्य को 18 दिन में करता है और रहीम क्या है, राम की अपेक्षा बहुत अधिक दक्ष है, निपुण है, यानी कि जल्दी कार्य को कर लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रहीम है वो राम की अपेक्षा कम दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ राम यहाँ रहीम। मान लीजिए राम की कार्य दक्षता कितनी है, 100% है, और अगर राम की कार्य दक्षता 100% है तो रहीम की कार्य दक्षता कितनी हो जाएगी, 150%, क्योंकि रहीम क्या है, राम की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तो कार्य दक्षता कितनी हो गई इनकी, 100 और 150। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही है गाइस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्य दक्षता को कटा लेंगे, 50 × 100, 50 × 150, 2:3, 2:3 का रेशियो आ गया है कार्य दक्षता में राम और रहीम का। तो गाइस किसी भी मनुष्य की जो कार्य दक्षता होती है वह उसके समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या कह सकते हैं कि कार्य दक्षता समय या दिन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, कार्य दक्षता को समय और दिन में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे रेशियो को, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 2। तो गाइस ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अगर नहीं भी आ रही है तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं। ये जो कार्य दक्षता है, जो राम की कार्य दक्षता है, मान लीजिए अगर 100% है तो रहीम की कितनी हो जाएगी, 150%, क्योंकि 50% अधिक दक्ष है रहीम। ठीक है, इसको आपने कटा लिया, कितना हो गया, 50 × 100, 50 × 150। ठीक, जो कार्य दक्षता होती है वह समय या दिन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो व्यक्ति जितना एफिशिएंट होगा वह उतने कम दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा, क्योंकि रहीम क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, कम दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। तो हमने क्या करा, कार्य दक्षता का इन्वर्स कर दिया, 3 और 2, यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया था, इसका उल्टा कर दिया, 3 और 2। अब क्या है, क्योंकि राम कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि रहीम कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे, क्योंकि 18 और 3, यहाँ 3 दिन हो गया, यहाँ 18 दिन हो गया, तो 3 से 18 कैसे बना, 6 से गुणा करके। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रहीम को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 × 12 दिन। ठीक है, तो रहीम क्या है, 12 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो गाइज मैं आशा करती हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया है तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें, होपफुली आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या है कि पहले आपने कार्य दक्षता निकाली दोनों की, ठीक है, फिर उसको उल्टा कर दिया रेशो को, फिर दिनों से भाग करके देख लिया, 18 को 3 से भाग करके, या कह सकते हैं कि 6 को 3 से गुणा करके आपने दिन निकाल लिए, वही आंसर है। तो गाइस मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। गाइस ये दोनों क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो अगर वीडियो पसंद आया है, जानकारीपूर्ण लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।